तो बैठ के बात कर नहीं रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है अगर भाई तुम इतने सही हो और हम तुम्हारी बातें खोल रहे हैं तो तुम सामने आके बात करो ना, सामने बैठो बात करो, अपनी बात रखो कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया था नहीं। और अजितेश की माँ की निशानियां मेरे पास क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकंड रुकिए। डालो तुम तो यूट्यूब पे डाल रहे हो, अरे क्यों डाल रहे हैं भाई, आओ ना सामने, यूट्यूब पे डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा कि यूट्यूब पे क्यों डालने की जरूरत पड़ रही है। अजितेश के पिताजी ने चाल मटोली करके अजितेश के नाम पर एक घर था वो बेच दिया एक लेडी को, और कि हमने वो 5 लाख रुपए का क्या किया और हमें 5 लाख कैसे मिले और मिले भी या नहीं मिले। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका साक्षी अजितेश ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आपका पहला नवरात्र? हमारा तो बहुत अच्छा रहा, एकदम सुकून भरा। और आज है सेकंड नवरात्र और हम लोग जा रहे हैं पूजा करने नहा, तो सब कुछ हो गया, पूजा हो गई, हम लोगों ने फलहार कर लिया। और अब काफ़ी लोगों के सवाल हैं कि मेरे सो कॉल्ड इन लॉज ने मुझे क्या गिफ्ट्स दिए हैं, तो मैं आपको आज यही बताने वाली हूँ इस ब्लॉग में और आप लोग बने रहिए। और काफ़ी जो हमारे रिलेटिव्स हैं, मतलब अजितेश के जो रिलेटिव्स हैं, उनको काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है क्योंकि अजितेश के घर वालों ने ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रखी है लोगों के माइंड में कि अजितेश के घर वाले कहते हैं कि हमने अजितेश को 5 लाख रुपए दिया है और साक्षी को ये दिया है, साक्षी को वो दिया है, झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो आज इन लोगों का झूठ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कहाँ 5 लाख रुपए मिले, 5 लाख रुपए का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या सच में मिले या नहीं मिले। तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। मैंने झूठे लोग देखे लेकिन इनसे ज़्यादा झूठा कोई नहीं देखा, सही बता रही हूँ। और हाँ, क्या कहते हैं, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बुराई करना उसको कहते हैं जो पीठ पीछे की जाती है। ये यूट्यूब चैनल है, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को सारी बातें बता रही हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं छुपके से किसी को बता रही हूँ कुछ, पूरी दुनिया देख रही है। तो बुराई करने में और बताने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि मेरे ब्लॉग सारे लोग देख रहे होंगे, काफ़ी लोग फेक आईडी बना के जीमेल फेक बना के ब्लॉग देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं वो लोग कौन है जो फेक जीमेल बना के देखते हैं। तो ये बुराई करना नहीं है, ये बात बताना है, अपनी बात रखना है, क्योंकि ये लोग सामने तो बैठ नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी लाइट वाला मसला हुआ था तो अजितेश ने कोशिश की और ज़रूरत पड़ी तो हम वो रिकॉर्डिंग भी, हमने वीडियो बनाई थी तो हम वो वीडियो भी डाल देंगे जिसमें अजितेश के पिताजी से बहुत दूर से बात हुई है, अजितेश की, मतलब अजितेश ने छत से उनसे बात की थी और वो नीचे थे अपने बड़े बेटे से स्पीकर पे बात कर रहे थे, वो बहुत रौले में कुछ बोल रहे थे, वो भी आप लोग को बता दिया जाएगा। तो ये लोग सामने तो बैठ के बात कर नहीं रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है अगर भाई तुम इतने सही हो और हम तुम्हारी बातें खोल रहे हैं तो तुम सामने आके बात करो ना, सामने बैठो बात करो, अपनी बात रखो कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, या तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है ना कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सबको सच बता रहे हैं, तो सामने तो नहीं बैठेंगे, मुझे पता है अभी तक तो आए नहीं है, तो अब क्या आएंगे। बाकी इनके जो रिलेटिव्स हैं वो इनकी, जो ये लोग कह देते हैं वो इनकी बात पे विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भैया हमारे ये तो बहुत सच बोल रहे हैं, अजितेश का जो बड़ा भाई है वो भी कुछ बक देता है तो सामने वाले को लगता है हाँ वो सच बोल रहा है ये वो। तो हम चाहते भी नहीं है कि हमसे कोई सफाई लेने आए, सही बताएं तो, क्योंकि अब हमारे पास हमारी यूट्यूब फैमिली है और आप लोग समझ सकते हैं, मैं हर बार यही बात बोलती हूँ कि कितनी बार कोशिश की गई होगी इन लोगों से बात करने की, चीज़ें सॉल्व करने की, लेकिन इन लोगों ने कभी अपनी तरफ से एफर्ट्स ही नहीं लगाए, कभी भी बहुत लाइटली लिया इन लोगों ने, हमेशा मुझे तो बहुत ज़्यादा लाइटली लिया, मतलब इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ है कि अरे अपनी मर्ज़ी से आइए शादी करके ये वो, तो इस वे में इन लोगों ने मुझे हमेशा बहुत लाइटली लिया और आज भी ये लोग मुझे बहुत लाइटली ले रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, लेने दो, ऊपर वाला इन लोगों को ज़रूर जवाब देगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने वो 5 लाख रुपए का क्या किया और हमें 5 लाख कैसे मिले और मिले भी या नहीं मिले। तो गाइस आप ये किचन देख रहे हैं, जब हम लोग ऊपर शिफ्ट हुए थे तो ये किचन पूरा खाली था, खाली मींस इसमें ना कोई ये वार्डरोब बनी हुई थी, ना कोई ड्रॉअर बनी हुई थी, ना ये जो ये स्लप होता है पत्थर है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, सिर्फ ये एक इस स्लब की जगह, इस पत्थर की जगह एक लकड़ी का पटला पड़ा हुआ था, सिर्फ लकड़ी का पटला। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसी पर गैस रख ली थी अपनी और बर्तन, क्या कहते हैं, ऐसे पल्ले में भर के रख रखे थे
और एक साल तक, और ये सिंक वगैरह ये कुछ भी नहीं लगा हुआ था, ठीक है, कुछ भी नहीं लगा हुआ था, सिर्फ टंकियां लगी हुई थी, टंकियों की फिटिंग पहले से हो रखी थी, बाकी कुछ नहीं लगा हुआ था और खाली था, तो हम टंकियां इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पानी नीचे जाता, ठीक है। और ये आरओ हाँ अजितेश का लगाया हुआ है, तो ये लगा हुआ था, तो कुछ नहीं था, खाली था ये किचन, इवन मेरे पास डब्बे तक नहीं थे किचन के, ठीक है, मैंने अपना सामान थैलियों में भर के रख रखा था। तो एक डेढ़ साल तक मैंने ऐसी ही चीज़ें मैनेज की, मतलब वो लकड़ी का पटला, उस पर ही मैं खाना बनाती थी। और गाइस मैं दिखाती हूँ कि मैं बर्तन, उस टाइम तो काम वाली आंटी जो नीचे काम करती थी वो ऊपर आती थी, तो अजितेश की सिस्टर ने उनको बोल दिया था कि ऊपर का ठेका हमने नहीं लिया है, ऊपर नहीं जाओगी काम करने। तो ये जो आप टैप देख रहे हो, यहाँ पे बैठ के मैं बर्तन धोती थी, तो अजितेश को बहुत ख़राब लगता था, लेकिन कोई नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ चलो इंसान मजबूत होता है। और मैंने तो देखो सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं बहुत मॉडल फैमिली से हूँ, मैंने कुछ किया नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सारे काम किए हैं, तो मुझे कोई इतना बड़ी बात नहीं लगती थी। लेकिन सिर्फ मैं आप लोग को बता रही हूँ जो ये दुनिया को दिखाते हैं कि इन लोगों ने हमें क्या दिया। और आप ये वार्डरोब देख रहे हैं सामने, ये वार्ड जब हम लोग ऊपर शिफ्ट हुए थे रूम में, तो सिर्फ सफ़ेद दीवारें थीं इस रूम में, और पूरा सीलन आ रखी थी सारी दीवारों पे, पपड़ी छुट छुट के गिर रही थी। और इन लोगों ने एक इतना भयंकर एक दिन कलेश किया कि हमें अगले दिन ही ऊपर शिफ्ट होना पड़ा। आप लगा लीजिए, अजितेश के फादर ने, आप यहाँ पे देखा होगा गद्दे डाल के रखे थे मैंने, तो अजितेश के फादर ने उन गद्दों के लिए भी मना कर दिया था, मतलब नीचे इनके बेड पे जो गद्दे पड़े थे कि गद्दे नहीं मिलेंगे। तो हमने जैसे तैसे पैसे मैनेज किए, अजितेश वो वाले गद्दे लेकर आए जो वैसे वाले होते हैं ना, वो चलो वो कोई बात नहीं, मैं तो ज़मीन पर भी सो जाती, लेकिन मैं इन लोगों की हरकतें बता रही हूँ कि इन लोगों ने क्या किया है। तो ये आप देख रहे हैं ग्रीन मैट, ये अजितेश के एक जानने वाले भैया हैं, उनका काम है इस चीज़ का, तो उन्होंने लगवा कर दी कि तुम लोग परेशान मत हो, और क्या कहते हैं अगर ऐसा कोई इशू है तो मैं लगवा के देता हूँ। और ये जो वार्डरोब देख रहे हैं, जो मैंने आपको 5 लाख रुपए बताए थे ना, तो 5 लाख रुपए नहीं मिले थे हमें गाइस, हमें मिले थे 2.5 लाख रुपए, और 2.5 लाख रुपए हमें वो मिले थे अजितेश के फादर ने। पहले आप ये वार्डरोब देख लीजिए, हमने ये वार्डरोब बनवाई ऊपर आने के बाद, हमने ये टीवी का फ्रेम बनवाया, ठीक है, आप देख सकते हैं ये बनवाया, वार्डरोब बनवाई, किचन का जो मैंने आपको पार्ट सिखाया वो सब बनवाए। तो जो मैंने आपको बताया कि 5, मतलब ये लोग जो बताते हैं कि 5 लाख रुपए मिले हैं, ये हुआ है वो हुआ है, तो गाइस कोई 5 लाख रुपए नहीं मिले। अजितेश के पिताजी ने चाल मटोली करके अजितेश के नाम पर एक घर था वो बेच दिया एक लेडी को, और 2 महीने तक हमें हवा तक नहीं थी, मतलब मेरा तो छोड़ो, कोई मेरी तो कोई बात ही नहीं है, अजितेश हमें तो कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, 2 महीने बाद अजितेश के पास खबर आती है कि मतलब आधे से ज़्यादा अजितेश के जो नोन थे सबको ये पता चल गया था कि मतलब पता क्या चल गया था, और सच्चाई भी है कि भाई अजितेश इस टाइम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो अजितेश के एक नोन थे, उनका फ़ोन आया कि अरे बाबा मजाक करते हो, तुम तो मकान बेच रहे हो। गाइस बिना रजिस्ट्री के मकान पे कब्जा दे दिया था जिस महिला को इन लोगों ने मकान बेचा था, समझ रहे हो ना आप लोग। हाँ, इसलिए मेरे पास वहाँ सोसाइटी से भी कॉल आने लगी थी, क्योंकि पता ही था कि ये क्या है, मतलब ये सारी चीजें इसलिए बताई जा रही हैं कि रुपए पैसे से मतलब नहीं है, इन लोगों की एक्टिविटीज की ये लोगों ने क्या करा है, और अब भी हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अब भी कि ये जो इतने टाइम से हमें नहीं बताया, जो बिल का चक्कर चल रहा है, 80,000 रुपए का टोपा हम लोगों पे रख दिया है कि ये जमा करो। और इसका भाई हमेशा ये कहता है कि फ्री की बिजली, तो भाई कहाँ फ्री की बिजली, 80,000 का टोपा रख तो दिया, इसको फ्री की बिजली नहीं कहते हैं। तुमने अपने, तेरा रूम भी उस मीटर से कनेक्शन है, तेरे पिताजी का भी रूम का कनेक्शन है। कहते हैं कि इंसान जो होता है एक रोटी खा के भी चुप रहता है, और तुम तो पूरा ऊपर कब्जा करे, अरे हाँ, कब्जा क्या करे भैया, खा के रह रहे हैं, कब्जा थोड़ी कहते हैं इसे। और रोटी वोटी का कोई एहसान नहीं है गाइस, हम लोग जो जानते हैं, हमें पर्सनली वो लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कैसे सरवाइव करके अपना टाइम काटा है। ये इन लोगों की मैं कोई ऐसा गुनहगार नहीं हूँ, एक की अन्न का भी गुनहगार नहीं हूँ मैं, अपने घर वालों को ऐसे साफ सुन लो आप लोग, इन्हीं लोगों ने मजबूर करा ये सारी बातें यहाँ कहने के लिए, क्योंकि शायद इसने बताया हो या ना हो, मैं बता रहा हूँ कि अभी तक ये लोग, इन लोगों को अगर मैंने बता दिया फर्क पड़ रहा होता गाइस, तो ये लोग आते ना बात करने, बैठते बात करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। ये लोग तो कह रहे हैं कि अपने ब्लॉग बनाते रहो, जो बता रहे हो बताते रहो, ये कह रहे हैं अरे यूट्यूब पे डालो, तुम तो यूट्यूब पे डाल रहे हो, अरे क्यों डाल रहे हैं भाई, आओ ना सामने, यूट्यूब पे डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा कि यूट्यूब पे क्यों डालने की जरूरत पड़ रही है। कोई नहीं, हम चाहते भी नहीं है, मत आओ बात करने। तो
गाइस इनके बड़े भैया का कहना है कि बिजली तो तीन रूम का कनेक्शन था उस मीटर में, अजितेश के फादर के रूम का नहीं, क्लियर कर दूं ना, 2 महीने पहले नोटिस वगैरह आया होगा लाइट कटने का, क्योंकि जब से ऊपर का मीटर लगाया था, मतलब अलग मीटर ऊपर का क्या था, वो 2 मीटर लगे थे और 50-50 कनेक्शन डिवाइड थे दोनों मीटर में, आप समझ सकते हैं, एक रूम में 3 रूम का कनेक्ट, 1 मीटर में 3 रूम का कनेक्शन था और 1 मीटर में 3 रूम का कनेक्शन था। तो हमारा जो जिस मीटर में हमारा कनेक्शन था उसकी लाइट कटी है और अजितेश के फादर ने 2 महीने पहले ही उस मीटर से अपने रूम का कनेक्शन हटवाया, क्योंकि उनके पास नोटिस पहले ही आ गया था, क्योंकि उनके नाम पर मीटर है तो सारे नोटिस बिल वगैरह, और 1 साल बाद तुम किसी को बता रहे हो, तुम अगर तुम्हें हमसे ही बिल भरवाना था तो तुम महीने के महीने बता देते, अब 80,000 रुपये कहाँ से लाएं, डाका डालें क्या कहीं पे? ये सिर्फ परेशान करने वाली हरकतें हैं इनडायरेक्टली वे में, वो इस तरह कि भाई ये लोग 80,000 रुपये लाएंगे कहाँ से, तो ये मकान खाली कर देंगे, फिर ये जाके कहीं किराए पे रहेंगे, ये इसलिए हमें मजबूर किया जा रहा है। लेकिन अब हमारे पास 80,000 तो है नहीं, ना ही हम दे पाएंगे, सॉरी हमसे आधा ले लो जो हमारे रूम का हुआ होगा, हमारे हमसे ही बिल भरवाना था तो हमें महीने के महीने बताना चाहिए था ना, जब से मीटर लगाया आप लगा लो, और 8 महीने दोस्तों हम रहे नहीं हैं यहाँ पर, 8 महीने हम रहे नहीं हैं, 8 महीने हम लोग जयपुर और आगरा रहे थे, 4 महीने जयपुर रहे हैं और 4 महीने हम लोग क्या कहते जयपुर आगरा रहे थे, तो 8 महीने तो हम यहाँ पर रहे नहीं है, तो उसका भी बिजली का बिल हम देंगे, मतलब ये बातें करने वाली नहीं है, लेकिन छोटी छोटी हरकतें इन लोगों ने करनी चालू करी हैं, परेशान कर रहे हैं। अच्छा आप लोग खुद बताइए कि अगर आपकी जेब में भाई 100 रुपये हैं और सामने वाला आपको फोर्स कर रहा है कि भाई 200 रुपये निकाल वरना तू ही जानेगा, तो एक तो सामने वाला ऑलरेडी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ठीक है, और उसको तुम फिर से फाइनेंशियली टॉर्चर कर रहे हो, तो ये कहाँ की इंसानियत है? हम तो मतलब ही नहीं रखते ना खाने पीने से ना किसी चीज़ से, तुम्हें हम बिजली का बिल भरने के लिए रेडी हैं, लेकिन महीने के महीने तो बताते, अब 80,000 जान पूछ के कि भाई अब 80,000 कहाँ से लेके आएंगे। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि आपने देख लिया, और जो 2.5 लाख रुपये मिले थे उन लेडी से जिनको मकान बेचा गया, तो उन्होंने टुकड़ों में पैसे दिए, इकट्ठे 2.5 लाख रुपए नहीं मिले, कभी 20,000 कभी 30,000 कभी कुछ ऐसे करके उनसे 2.5 लाख रुपए मिले थे, और हमने ये वो पैसा हमने इनके घर में ही लगा दिया। ये लोग छाती पीट पीट के कहते हैं ना मेरा घर है, ऐसे छाती पीट पीट के कहते हैं ये लोग, अजितेश की सिस्टर हो गई, अजितेश के फादर हो गए, कोई भी हो गया, तो इनके घर में ही लगा दिया हमने भाई, अब इसे उखाड़ के तो ले नहीं जाएंगे इन फ्यूचर, अगर हम अपना हेलो गाइस इन फ्यूचर अगर हम कोई अपना घर बनवाएंगे तो ये सब सामान उखाड़ के तो नहीं ले जाएंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। तो भाई इनका पैसा इन्हीं के घर में लगा दिया हमने, तो क्लियर हो गया होगा कि 5 लाख रुपए नहीं 2.5 लाख रुपए मिले थे, वो भी उस लेडी से जिसने मकान खरीदा था, और वो भी टुकड़ों में इकट्ठा नहीं। और अजितेश की माँ की निशानियाँ मेरे पास क्या क्या हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। तो गाइस अजितेश की माँ की निशानी मेरे पास सिर्फ ये एक साड़ी है, जो मैंने सही बताऊं तो अपने मुंह से इन लोगों से मांगी थी, और ये मेरी पहली करवा चौथ का फोटो है, और थोड़ा जूम करो यो, ये आप मेरे गले में देख रहे हैं ना, ये गोल्ड का छोटा हार है, ठीक है, ये फोटो हाँ, तो ये जो गोल्ड का आप लोग हार देख रहे हैं ये मेरी पहली करवा चौथ पे मुझे पहनने के लिए मिला था, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। और गाइस आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं खाना खा रही थी करवा चौथ की पूजा वूजा कंप्लीट होने के बाद अजितेश के साथ, तो इनकी सिस्टर आई रूम में, कहती है वो हार निकाल के दे दो शीनू जो तुमने पहन रखा है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि यार मैं सही बताऊं तो मैंने कोई नया सोना चांदी नहीं देखा था कि भाई मैं पागल हो जाऊं नया सोना देखकर, अरे मेरे गले में हार आ गया, मैं अपने घर में सारी चीजें देखाई हूँ तो मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग भी नोटिस करते होंगे, आप लोग बल्कि कहते हैं कि साक्षी चूड़ी पहन लो, साक्षी ऐसा कर लो, साक्षी मुझे ना बहुत ही सिंपल रहना पसंद है, मतलब आप लोग बिल्कुल ठीक कहते हो, चूड़ी पहननी चाहिए, आप लोग देखिए कल ही पहने चूड़ी पहनी है, आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, मुझे ये सोना, लेकिन ये लोग कहते हैं हर रिश्तेदारी में कि साक्षी को ये दे दिया है। गाइस ये सिर्फ मुझे मेरी पहली करवा चौथ पे पहनने के लिए मिला था, उसके बाद मेरी 3 करवा चौथे निकल गई इस घर में, उसके बाद मेरे बच्चे का डस्टॉन हो गया, 30 त्योहार निकल गए जो सुहाग वाले त्योहार होते हैं, ठीक है चलो, नामकरण पे खिचड़ी बनाते हैं, नामकरण पे ये लोग खिचड़ी बनाते हैं, सिर्फ मेरे लड़के के लिए बनाई थी, तो मतलब ये वाली बात नहीं है कि भाई हम, और हाँ सही बताएं तो हमने अपने मुंह से इन लोगों से मांगा भी नहीं, मतलब मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगी इसके लिए कि भाई मेरे जैसे ताऊ की लड़कों की वाइफ है, ठीक है, अब वो किसी प्रोग्राम या फंक्शन में जाते हैं तो मेरी ताई का फर्ज है, मेरे ताऊ का फर्ज बनता है कि हमारी बहुएं जाएं तो अलग चमके, लेकिन इन लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं है, साक्षी से दुश्मनी है, साक्षी तो नंगा गला चली जाती है,
नंगा गला, नंगे कान। साक्षी ने 3-4 शादियां अटेंड कर ली हैं इन लोगों के रिलेटिव्स की, तो नंगा गला गई है हर जगह साक्षी। तो इन लोगों को वो नहीं दिखता कि हमारे घर, क्योंकि ये लोग मानते ही नहीं है मुझे। और मैं भी इन लोग को सही बताऊं तो अपना परिवार नहीं, एक्टिविटी इन लोगों ने शुरू की, उसके बाद मैंने इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया कि भाई यार जब तुम मुझे कुछ समझ ही नहीं रहे हो, और ना ही अजितेश ने कभी अपनी चीज इनसे मांगी कि भाई मेरी माँ ये बनवा के रख गई थी, फलाना ढमाका बनवा के रख गई थी तो मुझे दे दो, क्योंकि हमारी वो आदत ही नहीं है और ना ही हम ये। लेकिन ये लोग जो बताते हैं लोगों को कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमें ये दिया है हमें वो दिया है, तो इन लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया है। ठीक है, मैंने आपको दिखा बता दिया, और मेरे पास कोई निशानी नहीं है। मेरी सासू माँ की सिर्फ एक साड़ी है, और वो हार था जो मुझे पहली करवा चौथ पे पहनने को मिला था, वो भी 1 घंटे के लिए। उसके बाद मुझे उसके दोबारा दर्शन नहीं हुए और ना ही मुझे करने हैं। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे क्या दिया है। मुझे कुछ नहीं दिया है, एक कत्तर की गुनहगार नहीं हूं मैं इन लोगों की। मैं प्रेग्नेंट थी, आप लोग सोच सकते हैं बॉडी में कितने सारे चेंजेस आते हैं प्रेग्नेंट होने के बाद, साइज बढ़ता है, सब कुछ होता है। लेकिन मेरे पति ने ही सारी चीजें मैनेज की, इनकी जो सिस्टर थी, एक होता है ना कि भाई लड़की लड़की को समझ सकती है तो पूछे सामने वाला। अपने बाप, हमारे पापा को बर्बाद कर दिया, हमारे भैया को बर्बाद कर, क्या बर्बाद हो गए भाई? अपना घर बसा लिया उस आदमी ने, दूसरी शादी कर ली, इसको बर्बाद होना बोलते हैं? बर्बाद तो तुम लोगों ने हमें कर दिया, लेकिन हम यार हम। और हाँ, किचन का जब काम कराया अजितेश ने, तो अजितेश के फादर का ये कहना था कि थोड़ी कठिन परिस्थितियों में रहना सीखिए। तो गाइस आप मुझे बताइए, और कैसे कठिन परिस्थितियों में रह जाता है 1.5 महीने? मैंने कभी अजितेश से ये नहीं कहा कि मुझे इस किचन में खाना बनाने में अजीब लगता है, क्योंकि ना मुझे सुकून पसंद है, मैं चटनी से रोटी खा लूंगी। लेकिन अजितेश को बुरा लगता था कि साक्षी ने ये सब चीजें नहीं देखी हैं अपने घर पर, तो मेरा फर्ज बनता है। तो उसने वो काम करा के दिया। और कठिन परिस्थितियों की, मैं कठिन परिस्थितियों में रहना बताऊं, मैं प्रेग्नेंट थी, तवड़ा पेट निकला हुआ था, तो मेरा पति मुझे स्कूटी से लेकर गया है डॉक्टर के पास। इनकी गाड़ी खड़ी रहती थी, हम चाबी मांग लेते थे तो इनके मुंह बन जाते थे कि भाई क्या कहते। एक बार तो हॉस्पिटल गई मैं, 5 मिनट नहीं हुए भाई, आधे से 1.5 घंटा लगता है डॉक्टर को नंबर आने में, दिखाने में 5 मिनट नहीं हुए गाइस। इनके फादर ने फोन करना चालू कर दिया कि भाई आ जाओ मुझे कहीं जाना है। फिर मैंने अजितेश से मना कर दिया साफ साफ कि अजितेश अब गाड़ी से मत आना। उसके बाद से आज का दिन है और हम आ गए वापस, फिर भी अजितेश के पिताजी कहीं नहीं गए, वो तो इन्हें गाड़ी मंगवानी थी। तो ऐसे इन लोगों ने मुझे परेशान किया है। लेकिन भैया ना, मैंने अपने घर में गाड़ी घोड़ा सब देखाई हूं मैं, तो मैं बिलबिलाई नहीं इन लोगों का कुछ भी देखकर। ये लोग नंगे हैं इन शॉर्ट, सही बताऊं। वो कहते हैं ना, नंगा कम खाए ना गम खाए, इन लोग का वो वाला हिसाब है। मैं तो यार देखो, गाड़ी घोड़ा और भगवान की दुआ रही, आशीर्वाद रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा, तो हम धीरे धीरे करके सारी चीजें कर लेंगे यार। और मैं तो साइकिल से भी चल लूंगी, क्यों? क्योंकि मेरा पति मेरे साथ है, मेरा बच्चा मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आप लोग ये सोचिए, मैंने अपने घर में सारी चीजें देखी, सब कुछ देखा, फिर इन लोगों ने मुझे ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि भाई मैं क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। मैं आप लोग को बता दूं कि अब ये लोग क्या षड्यंत्र रच रहे होंगे, इनके बड़े भाई जो सबसे ज्यादा दिमाग चलाते हैं अजितेश के, ठीक है, वो सामने तो मीठा बनता है और पीठ पीछे बहुत खतरनाक आदमी है वो। लेकिन हमारा ये है कि हम सामने भी जैसे हैं, हम सामने भी वैसे ही हैं, और पीछे हम वैसे ही पीछे हैं। तो इनके पिताजी और इनका भाई क्या षड्यंत्र रच रहे होंगे। इन लोग का मेन मोटिव सिर्फ यही है कि इन लोग को घर से निकाल दो, इन लोग को इतना खुद इन लोग को परेशान कर दो कि ये लोग अपने आप ही अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और इस घर से निकल जाएं। तो इतना आसान नहीं है, कहाँ जाऊंगी मैं, मुझे बताओ। वो कहता है सड़क पे ले आऊंगा तेरे बीवी बच्चे के, सड़क पे आ जाएंगे। तो भाई इतना आसान नहीं है सड़क पे लाना, और मैं चाहती हूँ एक बार आप सड़क पे लेके आए, हम भी तो देखें। और भाई सड़क पे रहने में क्या दिक्कत है, लोग रहते तो हैं सड़क पे, वो भी तो खुश हैं अपनी फैमिली के साथ। तो मैं सारी चीज़ें फेस करूँगी और देखूँगी कि ये लोग कितना गिर सकते हैं, वो मुझे देखना है। और कुछ भी हो सकता है, बस आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए इसी तरह। और देखिए कोई भी एक्टिव, और छुट्टे कहते हैं तुम तो ब्लॉग बनाओ, तुम तो यूट्यूब पे डालो। अरे तो कहाँ डालें, कहाँ बताएं, रिश्तेदार कोई है नहीं सुनने वाला, तुम्हारे सब रिश्तेदार हैं, पैसे के गुणगान गाते हैं रिश्तेदार तो, ठीक है। अगर उनके बारे में उनके बारे में कोई बात भी ना हो और उन्हें लगे कि हमारे बारे में बात कर ली, तो 1-1 बजे 2-2 बजे फोन करके अपना क्लैरिफिकेशन देंगे, ऐसा नहीं वैसा था, ये नहीं वो था। तो हमारे पास तो सिर्फ यूट्यूब है डालने के लिए, हम तो भाई ब्लॉग बनाएंगे और डालेंगे। और आप भी बना लो चैनल अपना, अपनी बातें रखो अगर नहीं रख पा रहे हो ऐसे सामने आके। तो गाइज इनके पिताजी, मैंने जैसा कि आपको बताया, बात कर रहे थे इनके बड़े भाई से स्पीकर पे, तो वो क्या बात कर रहे थे वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया था।
अगर जरूरत पड़ी तो हम वो भी डाल देंगे। मतलब इनके पिताजी अजितेश के बारे में अपने बड़े बेटे से बात कर रहे थे, तो अजितेश ने ये कह दिया कि भाई कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझसे डायरेक्ट बोल दो ना, बस हम क्यों बात करें, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, छूटते ही बेचारे टाइप बन जाते हैं। लेकिन यार मैं इनके बेचारे टाइप से बहुत परेशान हूँ, लेकिन इनकी असलियत जो है वो रिकॉर्ड कर ली है मैंने, क्योंकि ऑन कैमरा जब भी ये आएंगे तो आपको बेचारे ही लगेंगे, लेकिन जो इन्हें पता ही नहीं है कि रिकॉर्ड हुआ है उसमें इन्होंने अपने असली चेहरे दिखा दिए। तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, और काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे सो कॉल्ड ससुराल वालों ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। और उस टाइम तो ऐसा कोई इशू भी नहीं था, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल मुझे ऐसे ट्रीट किया कि तुम तो कुछ हो ही नहीं। कोई बात नहीं, ऊपर वाला हमारे साथ है, देवी माँ मेरे साथ हैं, बात ख़त्म। और आप लोग मेरे साथ हैं, इसी तरह मुझे प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बाय गाइज, लव यू, बाय।